हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो थोड़ा से हिस्ट्री वालों से मैं बात करना चाहता हूं कि आज आपकी, जैसे मैंने बोला है कि आपकी 6th क्लास के सभी चैप्टर समाप्त हो चुके हैं और आज से आपकी 7th क्लास शुरू हो रही है। ऐसे ही ये कुछ दिनों में ये भी समाप्त हो जाएगी, फिर 8th, फिर 9th, 10th। इसी प्रकार से आपके सारे चैप्टर क्लियर होते चलेंगे और इन्हीं सब चैप्टरों से आपके सामने जब वो पेपर, जो सी टैट का पेपर होगा, चाहे SSC वाले से कहूँ, जब पेपर होगा आपका, ठीक है, इन फ्यूचर में, तो उनसे वहां से क्वेश्चन निकाल करके आपको मैं बताऊंगा इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछा गया है 100। जैसे कि मैंने आपको डेमो क्लास में बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया, पहले टॉपिक में टॉपिक दिखाया आपका कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका क्वेश्चन ये सामने है, ठीक है। और मैं क्या करूंगा कि आपको टॉपिक रखूंगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रखूंगा, फिर अपना क्वेश्चन निकालूंगा, उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको दूंगा ताकि यहाँ से बच्चा क्वेश्चन को भी लेकर के क्लियर होकर चले, ठीक है, कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरी आशा है। और भाई थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को थोड़ा सा कमेंट भी करें और शेयर कर दो भाई, थोड़ा मैं मोटिवेट भी होता रहूं, ठीक है, थोड़ी सी फीलिंग अच्छी होने लगती है। जैसे कि आप कमेंट भी कर दोगे तो मैं थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, मन को खुशी मिलती है मेरे को, ठीक है, मुझे कोई मिलता रहे ना कहीं से, और मुझे चाहिए भी नहीं है। मुझे बस ये है कि अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको इतनी सोच, आपकी, आप में इतनी समझ ला सकूं कि ऐसे भी पढ़ाई होती है GK के अंदर, इतनी डीपली तरीके से भी जरूरी है आज के समय में, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर हर संस्था द्वारा, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ हिस्ट्री वालों से, ज्योग्राफी वालों से या पॉलिटिकल साइंस वालों से कि थोड़ी सी आप डीपली पढ़ रहे हो ना आज, तो कल GK के किसी भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, कभी भी नहीं फंसोगे, ठीक है। और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर कराओगे ताकि आप अदर्स सब्जेक्ट के कोई भी है उसके लिए टाइम बचा सको। मेरा तो मेन मकसद यही है भाई, 5 से 6 सेकंड में आप क्वेश्चन करोगे और तुरंत झटके से आप क्वेश्चन को अटेंड करके अपने आदर्श उनके लिए टाइम बचा लोगे, बस यही मेरा मेन मकसद है, ठीक है। तो आज हमारा 7th क्लास चलती है और फर्स्ट चैप्टर आपके सामने होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और इसी प्रकार से चलेंगे, पहले क्लासेस होंगी, फिर आपके क्वेश्चन होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। हाँ, तो ये आपके सामने स्लाइड है, इसमें हम जानेंगे मध्ययुगीन के भारत के बारे में जानेंगे, उस समय के भारत के, एक मिनट, उस समय के भारत के बारे में जानेंगे कि उस समय मैप कैसा हुआ करता था, मतलब जो मानचित्र या चित्र, जो जैसे आज हम देखते हैं ना कि मैप कैसा, मैप में हमारा भारत कैसा दिखता है, ये चीजें, मध्ययुगीन में भारत का नक्शा कैसा था, ये चीज जानेंगे। पुरानी और नई शब्दावली में क्या फर्क है कि पहले लिखाई कैसी होती थी और आज की लिखाई में और पहले लिखाई में क्या फर्क है, ये चीज जानेंगे। ओल्ड एंड न्यू वोकैबुलरी के बारे में जानेंगे हम। पांडुलिपियां जो होती थी उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पांडुलिपि, हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया है पांडुलिपियां क्या चीज है, सारी चीजें मैंने आपको पहले 6th क्लास के चैप्टर में बताया, खूब अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आ रहेंगी, ठीक है। इसी प्रकार से चलते रहेंगे भाई, हंसी खुशी आराम से, नो टेंशन के साथ, ठीक है। तो पढ़ते हैं भाई, भारतीय महाद्वीप के संदर्भ में 8वीं से 18वीं सदी के बीच के समय, इट 8वीं सदी का मतलब है 700 साल से, ठीक है। जैसे कि अब 2021, 2000 चल रहा है, मतलब तो 21वीं सदी चल रही है, तो ऐसा 1 से 1 पॉइंट आगे रहते हैं हम, ठीक है। जैसे 700 ईसवी पूर्व, 700 ईसवी थी तो 8वीं सदी कहलाएगी वो, ठीक है। अब यहाँ 18वीं सदी है तो ये 1700 में की बात तक है, 700 से 1700 तक की बात चल रही है, ठीक है। अब आपको समझ में आएगी 8वीं सदी को क्या कह रहे हैं कि 700 साल के हेर फेर की बात कर रहा है और 18वीं सदी का मतलब 1700 के ईस्वी की हेर फेर की बात है, ठीक है। इस चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर होगा होगा आपके, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे और मुझे भी दिखाई दे। 18वीं सदी के बीच के समय को भारत के इतिहास का मध्ययुगीन भारत कहलाता है, ठीक है, काल कहा जाता है। कई इतिहासकार इसे 2 भागों में बांटते हैं, 13वीं सदी तक के समय को मध्य युग का शुरू, ठीक है, कई इतिहासकार का दौर माना जाता है, और 13वीं सदी के बाद के समय को जो मध्य युग का अंतिम दौर माना जाता है उसको कहते हैं। इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप के कई नाटकीय बदलाव हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें सिंपल है, लैंग्वेज आसानी से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये नक्शा है, इसको PDF में देख लेना,
ठीक है। भारत के नक्शे के बारे में बात करते हैं, मैप ऑफ इंडिया के कब कैसा था नक्शा, ठीक है। समय बीतने के साथ किसी भी भूभाग का नक्शा बदल जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा इसलिए होता है कि उस भूभाग के बारे में जानकारियां पहले से बेहतर हो जाती हैं। इसे समझने के लिए इस अध्याय दिए गए भारत के दो नक्शों में देखना होगा, ठीक है। एक नक्शा तो ये है, ठीक है। सबसे पहले इसमें पहचान पहचान भी नहीं सको कि भारत कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, एशिया कहाँ है, ये सारी चीज, मतलब कि एशिया का पार्ट कहाँ, अफ्रीका का पार्ट कहाँ, ये चीज पहचान नहीं सकते। पहला नक्शा अरब के कार्टोग्राफ अल इदरसी ने, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है, अभी जीडी का पेपर था एसएससी का, तो उसमें क्वेश्चन आया था, 1154 में बनाया गया था। इस नक्शे को देखकर आप भारत को पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जहां उत्तरी भारत का होना चाहिए, उत्तरी भारत का मतलब है जैसे कि, एक मिनट थोड़ा सा मैं बना लेता हूं भारत को, गलत बन जाए भाई, थोड़ा सा देख ली, कभी कल कलान को रिपोर्ट कर दे मेरे पर, अबे तू नक्शा बना रहा हूँ कहाँ बना रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा पिछन रहो, ये थोड़ा सा भारत है, ऊपर थोड़ी सी कम बन गई। अलीदर्शी ने 1154 में बनाया था। इस नक्शे को देखकर आप भारत को पहचान ही नहीं पाएंगे। इसमें क्या है कि जहाँ उत्तरी भारत का होना चाहिए वहां दक्षिण भारत को दिखाया गया, मतलब ये पार्ट है यहाँ, यहाँ दिखाया गया इसमें, ठीक है। और श्रीलंका को भारत के ऊपरी यानी उत्तर में, अब श्रीलंका यहाँ हमारा, ठीक है, हमारा क्या पड़ोसी देश है, तो यू यहाँ दिखा दियो, मतलब कि कुल मिला के मैप तो कोई भी यात्री हो या कोई भी घूमने घूमने कहा वैसी जो जाते होंगे या नक्शे के द्वारा जान होगा श्रीलंका पहुंच जाते हो जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ऐसे या नक्शा में तो बहुत ही बढ़िया नक्शा बनाया है काइना का अली दृषि जी ने, ठीक है। तो दक्षिण भारत को दिखाया गया है, श्रीलंका को भारत के ऊपर यानी उत्तर में दिखाया गया है। शहरों के नाम अरबी भाषा में लिखे हैं, इसमें जूम करके देखोगे तो अरबी भाषा लिखी होगी, ठीक है, जिनमें उत्तर प्रदेश के कन्नौज को भी का भी नाम है, ठीक है। ये सारी चीजें उसी से पहचान गया कि श्रीलंका भी यहाँ दे रखा हो, ठीक है। और आप देख लेना जो अरबी भाषा समझ सके वो देख लेगा, ठीक है मेरे भाई। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, दूसरा नक्शा बात करते हैं, इसमें तो पहचान लोगे तुम श्रीलंका कहाँ की राजधानी पहचान लोगे। दूसरा नक्शा किसी भी फ्रांसीसी कार्टोग्राफर ने 1720 में बनाया था, मतलब कि पहले नक्शे से 600 वर्ष बाद। यह नक्शा हमारे देश के आधुनिक नक्शे से बहुत कुछ मिलता जुलता दिख रहा होगा। इस नक्शे में तटीय इलाके को काफी बारीकी से देखा गया और दिखाया गया है। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल, जैसे मैं बता रहा था ना, कोई भी यात्री या नाविक चला जाता होगा कि मुझे जाना श्रीलंका है, पहुंच जाता होगा जम्मू कश्मीर उस नक्शे से। इन दोनों नक्शों की तुलना करने का पर पता चलता है कि उन 600 वर्षों में कार्टोग्राफी के क्षेत्र में कितनी तरक्की हुई होगी, ठीक है। नक्शों में दस्तावेजों का अध्ययन हमेशा उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए करना जरूरी होता होगा, सिंपल है, ठीक है, समझना भी। अब नेक्स्ट है पुरानी और नई शब्दावली के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी के बारे में जान लेते हैं कि समय बदलने के साथ जानकारी बदलती है, कई शब्दों के अर्थ उनके इस्तेमाल की पृष्ठभूमि के हिसाब से बदल जाते हैं, इसलिए व्याकरण और शब्द के लिहाज से भाषा में बड़े बदलाव आ जाते हैं, ठीक है। आज से 40 साल 50 साल की भाषा देखोगे आज की भाषा देखोगे तो काफी अंतर है, ठीक है। आज हिंदुस्तान का मतलब हम आधुनिक भारत देश से लगाते हैं, लेकिन जब 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार, कुछ शब्दों को कह रहा हूँ, कभी नहीं समझो पूरी बदल गई हो 40 साल में, ऐसा ना सदी लग जाओ, मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था, किसने, 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार, कौन से इतिहासकार था, फारसी इतिहासकार ने, मिन्हाज ए सिराज इसका नाम है, और हिंदुस्तान शब्द का नाम दिया था, इस्तेमाल किया था। तो भौगोलिक संदर्भ में इसका मतलब था पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच वाला इलाका, ठीक है। अब आपको जिसने जियोग्राफी करी है मेरी क्लास तो आपको सब पता होगा पंजाब का, हरियाणा का और गंगा की मैदानी इलाका कहाँ से कहाँ तक है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी, ठीक है। ये चीज को इसने क्या बोला, मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल किया था अपने भौगोलिक संदर्भ में, इसका मतलब है पंजाब हरियाणा गंगा यमुना के बीच वाला इलाका या हिस्सा। और राजनीतिक में देख लेते हैं, वो तो भौगोलिक पार्ट हो गया, और राजनीतिक संदर्भ में हिंदुस्तान का मतलब था कि दिल्ली के सुल्तान के अधीन आने वाले इलाके। दिल्ली सल्तनत के दायरा बढ़ाने के साथ साथ हिंदुस्तान शब्द का दायरा भी बढ़ता गया, लेकिन दक्षिण भारत कभी भी उस दायरे में नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आप भौगोलिक लगा लो या राजनीतिक लगा लो, ठीक है, भौगोलिक तो आ ही जाएगा।
पर लेकिन राजा के अंडर नहीं ना भौगोलिक क्षेत्र। 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल भारतीय उपमहाद्वीप में भूगोल, संस्कृत और पुरानी जात लोगों के लिए किया जाता था। ठीक है, 14वीं सदी में जब अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल कुछ कुछ वैसे ही किया था जैसे बाबर ने किया था। ठीक है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि किसने क्या इस्तेमाल किया है। ठीक है, आगे आने वाले चैप्टरों में आपको क्लियर कर दूंगा सभी चीजें। ठीक है, विदेशियों का मतलब अमीनी और फॉरन। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। आज यदि कोई भारत देश का नहीं है तो उसे हम विदेशी कहते हैं, सही बात है। ठीक है, लेकिन जैसे कि श्रीलंका से कोई आया है, नेपाल से, भूटान से, या कोई चीन या कोई इंग्लैंड से या कहीं से भी आ रहा, तो उसको हम विदेशी बोलते हैं आमतौर पर। लेकिन लेकिन मध्ययुगीन भारत में, जबकि मैं बात कर रहा हूँ, भारत में किसी भी गांव में उस व्यक्ति के विदेशी कहा जाता था जो उस समाज या संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था। ठीक है, उसको विदेशी कहने लगते कि जैसे कि एक एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो कोई भी जाता हो या गांव में जाता हो तो उसको परदेशी बोला जाता था या विदेशी बोला जाता था। ठीक है, ठीक है, यानी कोई शहरी व्यक्ति किसी गाँव में जाकर विदेशी बन जाता था। ये 13वीं सदी की बात है। उसी गांव के किसान एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, चाहे वे अलग अलग धर्म, जाति आदि के क्यों ना हो। कभी गांव के यार गांव पे गांव ही हो, और तुम नहीं समझ लो भाई, पहले तो 13वीं सदी में गांव के गांव में विदेशी बोले, ऐसा कुछ ना, थोड़ा सा फर्क फर्क है। कभी नहीं चला नीला पेड़ तो कहीं अभी बहका दो। इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इतिहासकार किसी भी भूभाग का इस्तेमाल समझने के लिए कई स्रोत पर निर्भर होते हैं। यह जैसे स्रोत मैंने बताए, पांडुलिपियां हैं, पुरातत्व हैं, पुरातत्ल हैं, जो अवशेष मिले, वो सभी चीजें की बात है। यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे किसी समय का इतिहास है और कैसी जानकारी इकट्ठा करनी है, सारी चीजें। मध्ययुगीन इतिहास की जानकारी के लिए कुछ स्रोत उसके पहले के समय जैसे हैं, ठीक है, तो कुछ बिल्कुल अलग है। इतिहास जानने के लिए सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य, भवन के निर्माण कला, लिखित रिकॉर्ड जैसे मैंने बताया आदि पहले भी इस्तेमाल होते थे और अभी भी होते हैं। ये सारी चीजें इतिहास के स्रोत के बारे में बताती है, मतलब इतिहास के बारे में बताती है, हमें अतीत के बारे में बताती है। लेकिन कुछ स्रोत में बदलाव भी हुए जो मध्य युग में होने वाले कई नाटकीय बदलाव के कारण होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं सिंपल सी लैंग्वेज आई होगी आपके समझ में। ठीक है, मध्य युग में देखा गया है कि लिखित रिकॉर्ड की संख्या, लिखने वाले और विविधता में गजब की वृद्धि हुई थी। मध्ययुग से पहले अधिकतर पांडुलिपियां पेड़ों की खाल, चमड़ा, गुफा की दीवारों पर लिखी जाती थी, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन मध्ययुग में कागज सस्ता हो गया और सुलभ हो गया, इसलिए इस युग के अधिकतर पांडुलिपियां कागज पर लिखी जाने लगी या लिखी जाती थी या लिखी मिलती है आज के समय जो भी मिलती है। ठीक है, कागज का इस्तेमाल, यूज ऑफ पेपर कैसा है कि कागज का इस्तेमाल धार्मिक किताबें, ठीक है, शासकों के काम के बारे में, चिट्ठी लिखने, संतों के प्रवचन, दस्तावेज आदि लिखने के लिए होता था। किसका? कागज का, यूज ऑफ पेपर। धनी लोग, शासक, मठ, मंदिर द्वारा पांडुलिपियां बनवाई जाती थी। ये पांडुलिपियां आज के इतिहासकार के लिए महत्वपूर्ण स्रोत का काम करती हैं। ठीक है, कोई भी इतिहासकार अगर अतीत के बारे में जानता है तो वो इन चीजों को पढ़ेगा, इन चीजों को देखेगा और क्या क्या चीजें, ये सभी चीजों को जानकारी प्राप्त करके वो अपने कुछ लिखता है। ठीक है, कि ये चीज उस समय ये चीज चलती थी, ये ऐसा शासन था, ये सारी चीजें इन्हीं स्रोतों से पता चलता है। ठीक है, पांडुलिपि की नकल कैसे होती थी पहले, ठीक है, इसमें पहचान भी नहीं सकते, और ये अलग भाषा है, ये अलग भाषा। अभी मैं बता देता हूँ, कॉपी को मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है, उस जमाने में छपाई नहीं होती थी, जैसे आज प्रिंट होता है ना, कि दिया और प्रिंट हो जाता है, ये चीजें। इसलिए लिपिक वर्ग के लोग हाथों से ही पांडुलिपिया की नकल बनाया करते थे। कई बार किसी के हाथ की लिखावट स्पष्ट नहीं होने के कारण यह एक मुश्किल का काम होता था। कहने का मतलब यह है कि ये थोड़े से अलग राइटिंग है तो ये कुछ अलग राइटिंग है। ठीक है, इस राइटिंग में अगर कोई अक्षर उस पर पहचान नहीं पा रहा है, पल्ले नहीं पड़ रही, तो अपने तरफ से मार देता। ठीक है, कहने का भाव ये है इसका। ठीक है, अगर लिखावट में कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपनी तरफ से लिख दिया, ये चीज थी। ठीक है, इस लिखावट में, इस लिखावट में भी अंतर हो गया। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी ऐसी भी थी, कहने का मतलब यही है इसका। अब इसलिए कॉपी करते समय लिपिक को कई बार यह अनुमान कर लगाना पड़ता था कि मूल लेखक ने क्या लिखा होगा। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कॉपी करते समय छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव हो जाते थे। अब छोटे से लिखाई के बाद तुरंत पता लग जाता, यार ऐसे तुरंत फंस जाता होगा, यार ये क्या चीज लिखी है, ठीक है, समझ में नहीं आ रही। जैसे पहली स्क्रिप्ट में तो उतारता होगा या अपनी कॉपी करता होगा तो समझ में नहीं आते तो अपनी तरफ से लिख देता होगा। कई बार नकल होने के बाद भी मूल पांडुलिपि उसके नकल में बड़ी भारी अंतर आ जाता था। आज पांडुलिपियां, ठीक है, एक मिनट, आज की जो मूल पांडुलिपि शायद ही उपलब्ध हैं, इसलिए इस तरह के अंतर बहुत ही गंभीर समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ठीक
ठीक है। बात को सही तरह से समझने के लिए इतिहासकार कई नकलों का अध्ययन करते हैं ताकि अनुमान लगा सके कि मूल लेखक ने क्या लिखा होगा। कई बार मूल लेखक भी अपनी रचना को दोबारा संशोधन करते हुए लिखते थे, मतलब कि कोई मूल लेखक था अगर उसको समझ में आया तो संशोधन का मतलब उसमें चेंजिंग लाना, ठीक है, कुछ चेंजिंग लाना, संशोधन वही होता है। जैसे 14वीं सदी के इतिहासकार जियासुद्दीन बरनी ने पहला ब्यौरा 1356 में लिखा था, ठीक है, जिसे 2 साल बाद उसने संशोधित किया था, ठीक है, क्योंकि उसके पहले कुछ समझ में और आया था स्क्रिप्ट में से, फिर बाद में दोबारा पढ़ी होगी, फिर उसमें बदलाव किया होगा, यही संशोधन है। 1960 के दशक तक इतिहासकारों को यह भी नहीं पता था कि उस ब्यौरे में मूल प्रति भी थी या नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हैं हम। ये थोड़े से मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे तो मैंने ये कर दिया इनको येलो कलर में, ठीक है। आशा करता हूँ अभी तक क्लास सारी समझ में आई होगी। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, मतलब कि न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। इनमें क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में जानेंगे, जो टेरिटरी थी एंड एम्पायर थी, पुराने और नए धर्म के, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। इतिहास का वर्गीकरण करेंगे, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में जानेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। 700 से 1750 के बीच के हजारों वर्ष का अध्ययन इतिहासकारों के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी है कि इस दौरान जो बदलाव हुए उनका पैमाना और उनकी विविधता बड़ी थी, ठीक है। इनके कुछ उदाहरण है जैसे कि मैंने दे रखे क्या क्या विविधताएं थी, कौन कौन से पैमाने थे, कौन कौन से बदलाव हुए उस समय के अंतर्गत, उन 700 से 1750 के दौरान, ठीक है। नई तकनीकी क्या थी, न्यू टेक्नोलॉजी क्या थी, इस समय 700 से 1750 की बात की है, ठीक है। इस दौरान कई कई नई तकनीकों का मतलब खोज हुई थी, ठीक है, प्रादुर्भाव कह लो या कुछ भी प्रादुर्भाव हुआ। उनके कुछ उदाहरण है सिंचाई में पर्शियन व्हील या रहट जो होती है ना, रहट रहट जैसे कि मैंने दे रखा है इमेज में आपको दे रखी है, ये क्या है, एक रहट ही है, ठीक है। कपड़े बुनने के लिए चरखा था, लड़ाई के लिए तोप का आविष्कार हुआ था। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में बाहर बाहर से कुछ नई भोजन सामग्री अभी आई, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय आदि, स्थित ये बाहर से ही आए आए होड है, ठीक है। आशा करता हूँ ये सही चीजें समझ में आए होंगे। ये चीज मैं बताऊंगा, जैसे आया ना लड़ाई के लिए तोप सबसे पहले कब इस्तेमाल हुई थी, इन चैप्टरों में मैं ही बताऊंगा आपको कब, किसने, किस राजा ने, सम्राट ने या सल्तनत ने, किसने किसी किसने राजा ने किया था सबसे पहले यूज, किसका, तोप का, ये सारी चीजें। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जाति और उपजाति का क्या माहौल था उस समय, कास्ट एंड सब कास्ट के बारे में। मध्य युग का समय था, मध्य युग में राजपूत जाति के लोगों का प्रभाव बहुत बढ़ गया। यह शब्द राजपुत्र से बना है जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। 8वीं और 14वीं सदी के बीच, मैंने बताया 8वीं सदी और 14वीं सदी को, मतलब 8वीं सदी बोल रहे हैं तो 700 में, और 14वीं सदी मतलब 1300 के अंतर्गत की बातें चल रही हैं, ठीक है, के बीच राजपूत संज्ञा का इस्तेमाल करने उनके लिए होता था जो योद्धा थे, जो युद्ध करते थे, जो युद्धों को जीत कर लाते थे, जो राजा होते थे ना, युद्ध होते थे बड़े बड़े, उनको योद्धाओं के ये समूह अपने आप को क्षत्रिय मानते थे, ठीक है। जैसे मैंने बताया क्षत्रिय के बारे में, शासकों के अलावा सैनिक, सिपाहियों, सेनापतियों को भी क्षत्रिय माना जाता था। राजपूतों के बारे में कवियों ने हमेशा उनकी वीरता और स्वाभिमान भक्ति का बखान किया है, अपनी किसमें, जो उन कवियों ने जो बुके लिखी है, ठीक है, राइटरों ने, तो उनमें इन चीजों, इन इन राजाओं के युद्धों के बारे में, इनकी घोषणाओं के बारे में अपनी पुस्तकों में लिखा है, काफी अच्छे बढ़िया। इस दौरान कुछ अन्य समूह भी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हो चुके थे, जैसे कि जाट, मराठा, सिख, अहोम और कायस्थ, ठीक है। ये पूछ भी सकता है आपसे इन ऑप्शन में, ठीक है, कौन कौन से समूह उस समय उभरने लगे थे एक क्षत्रिय के रूप में, एक राजा के रूप में या एक योद्धाओं के रूप में, ठीक है। कायस्थ जाति के लोग मुख्य रूप से लिपिक और सचिव का काम करते थे। लिपिक मतलब लिपिक, जो लिखना, लिपिक का मतलब एक होता है कि जो लिपि वगैरह है लिखना, या किसी राइटर के रूप में, या कुछ सचिव का काम करना, सचिव मतलब सेक्रेटरी जो होता है, उनका काम कौन करता, कायस्थ जाति के लोग। उपजातियां कौन कौन सी थी ये भी जान लेते हैं। इस दौरान कुछ वनवासियों को अपने मूल निवास को छोड़ना पड़ा था क्योंकि मुख्य धारा के लोगों ने खेती के लिए कई स्थानों पर जंगलों को सफाया कर दिया था उस समय, ठीक है। तो उन जंगलों में जो भी जनजाति रह रही होगी उनका घर, मतलब कुल मिलाकर उनको हटा दिया होगा उस जगह से, उस जगह पर अपना कुछ बसेरा किया होगा, ठीक है, राजाओं ने, और उनके लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं करी होंगी। जो वनवासी पलायन नहीं कर पाए थे उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी और किसान बन गए बेचारे,
ठीक है, अंतिम किसान ही बनना पड़ा। ठीक है, नए किसान बन गए। इन नए समूहों में धीरे धीरे क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारी, मंदिरों का प्रभाव पड़ने लगा। अब वे एक बड़े बड़े जटिल समाज का एक हिस्सा बन चुके थे, कौन जो जनजाति थी, और उन्हें अब टैक्स देना पड़ता था और स्थानीय सामंतों को सामान और सेवा प्रदान करना पड़ता था। ठीक है, इस सब का असर यह हुआ कि किसानों में सामाजिक आर्थिक रूप से कई वर्गों में बन चुके थे। कुछ के पास उपजाऊ जमीन थी और कुछ मवेशी पालते थे, तो कुछ शिल्पकारी भी थे। इन अंतरों के कारण कई उपजातियों का जन्म हुआ और जिनकी स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति और पैसे पर निर्भर होती थी। ठीक है, अलग अलग समय में प्रभुत्व, सत्ता, संसाधनों पर नियंत्रण के हिसाब से इन जाति और उपजातियों सामाजिक स्थिति भी बदलती रहनी रहती थी। मतलब कि जो जो जैसे कोई भी हो, कहते हैं ना, समय के अनुसार ढल जाना, उसी प्रकार से ये भी बेचारे अपने चाहे कैसी किसी प्रकार से ढलना होता तो वो ढल जाते, उनकी स्थिति बदलती रहती रहती, चाहे सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो। ये सारी चीजें, किसी भी जाति के सदस्यों को उसके नियम का पालन करना पड़ता था। इन नियमों को लागू करने के लिए जाति पंचायत होती थी, जिसमें बुजुर्ग लोग भी भाग लेते थे। इसके अलावा गांव के मुखिया द्वारा बनाए नियमों को पालन करना पड़ता था। सिंपल सी लैंग्वेज है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। उस समय की बातों को, उस समय के जीवन यापन को, लोगों के बीच में रहन सहन, खाना पीन, खेती बाड़ी, ये सारी चीजें, किस कैसा माहौल था उस समय, ये सारी चीजें इस चैप्टर में आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि 7th क्लास का आपका फर्स्ट चैप्टर है और आपको एक बेसिक रूप में चैप्टर दिमाग में आ जाने चाहिए। ठीक है, आगे तब मैं कोई भी चैप्टर में कोई भी टॉपिक पढ़ाऊं तो आपको क्लियर होना चाहिए, हाँ ये चीजें पढ़ाई थी मैंने फर्स्ट चैप्टर में, और पढ़ी थी मैंने और बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर भी समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट है क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में जानेंगे। उस समय के चोल, तुगलक, ठीक है, मुगल साम्राज्य के कई क्षेत्रों में मिलकर बने हुए थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। इन चीजों को मैं करवाऊंगा, अच्छी तरीके से करवाऊंगा। फिलहाल चैप्टरों के माध्यम से हम जान सकते हैं बहुत सी इनकी स्थिति, वातावरण कैसा था, उसके जीवन यापन के बारे में जान सकते हैं। सारी चीजें हम ऐसी, तो अगर ये चीजें आपके माइंड में नहीं आएंगी तो आप एक तुगलक और चोल इनके कब से कब तक रहे, कौन सा राजा रहा और कब इनने क्या किया, ये चीजें ही आपके दिमाग में भरते रहेंगे, आदर्श जो सेंटर है। ठीक है, मेरा काम ये है कि उनका जीवन यापन, उनका रहन सहन क्या था, और एक स्टोरी के रूप में आपके दिमाग में ये चीजें बढ़ाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे अधिक से अधिक मात्रा में और चीजें नॉलेज हो, ठीक है, और चीजों के बारे में पता चले। ठीक है, खाली उन ईस्वी में और उनमें राजाओं में, उनके नामों में, या कौन सा कवि था उस समय, उनमें मत बढ़े रहना। उनके बारे में अगर जानोगे तो अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे कि हाँ, यही तो मेरा मेन मकसद है कि बच्चे को जो क्वेश्चन है उसके बारे में कम से कम 3 से 4 बातें और पता होनी चाहिए। ठीक है, जब 3 से 4 बातें और पता ही नहीं है तो वो उसको ही भूल जाएगा जो उसने वन लाइनर याद किया है। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद यही है कि बच्चे को क्लियर तरीके से समझाया जाए, डीपली अच्छे तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। बलवन पर लिखी एक प्रशस्ति में लिखा है कि उसकी सेना को देखते ही गौड़ा, मतलब गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, उस समय का साम्राज्य, ये साम्राज्य था। ठीक है, महाराष्ट्र की सेना भाग खड़ी हुई थी, लेकिन यह किसी अतिशयोक्ति जैसा ही लगता है। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर बात करना। ठीक है, ये देख रहे हो आप, इसमें मैंने इमेज, आप पीडीएफ में देख लेना तो, ताकि आपको समझ में आ जाए ये है चीज क्या। ठीक है, उस समय की ये सारी चीजें दे रखी है मैंने, नाम दे रखे कि मुल्तान, कलिना, लाहौर, सामान, कन्नौज, बदायूं, दिल्ली, झांसी, सभी उस समय के आपके सामने क्षेत्र है, मतलब कि साम्राज्य है, जनपद है, जो भी आपको दिमाग में आई पॉइंट। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं, 700 ईस्वी तक के कई क्षेत्रों को अपने विशिष्ट भौगोलिक होते हैं ना वो, कोई बात नहीं, भौगोलिक भाषाओं और संस्कृत पहचान विकसित हो चुकी थी उस समय के समय। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों के शासन थे, बिल्कुल, जिनके बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी कि इसकी राजधानी को जीत लिया तो इसका साम्राज्य मेरा, इसकी जीत लेती है मेरा। ठीक है, तो वही थे, राजा राजाओं में लड़ाई हुआ करती थी उस समय, एक राज्य से दूसरे राज्य पर शासन करने के लिए बहुत राजनीति होती थी, होती होगी, होती थी, आज भी हो रही है, एक कुर्सी के लिए, जिनके बीच हमेशा लड़ाई होती थी। बीच बीच में तुगलक, मुगल, चोल और खिलजी जैसे राजवंशों ने ऐसे साम्राज्य स्थापित किए थे जिनके प्रभुत्व कई क्षेत्र तक फैला हुआ था।
बहुत लंबा लंबा साम्राज्य था, कई जनपदों को महाजनपद बना दिया गया और तब उन्होंने शासन किया। लेकिन यह जरूर नहीं था कि हर साम्राज्य को पर्याप्त सफलता मिली हो, उनका अस्तित्व एक समान रहा हो। बिल्कुल सही बात है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद एक बार फिर से क्षेत्रीय शासकों का उदय हुआ, मुगल साम्राज्य जो थे उसके बाद। लेकिन लंबे समय के विशाल साम्राज्य के शासन के कारण इन क्षेत्रों के मूल चरित्र में काफी बदलाव हो चुके थे। शासन, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और भाषा में इस बात के प्रभाव साफ साफ देखने को मिलते थे। लेकिन हर क्षेत्र की अपनी विशेषता की बरकरार रही। मतलब क्षेत्र और भाषा के बारे में पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, ठीक है। अमीर खुसरो जो थे ना, अमीर खुसरो ने 1318 में लिखा था कि उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रीय भाषाएं थी। खुसरो ने लाहौरी, कश्मीरी, सिंध, द्वार समुद्री, अवधी आदि भाषाओं का जिक्र किया है। खुसरो ने यह भी लिखा है कि संस्कृत की किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। संस्कृत के बारे में जान लो, यह एक पुरानी भाषा है जिसका ज्ञान आम लोगों के पास नहीं था और जिसे सिर्फ ब्राह्मण जानते हैं। देख लो, एक अमीर खुसरो ने लिखा है चीज कि संस्कृति काफी पुरानी है हमारी। संस्कृत जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, ठीक है। पुराने और नए धर्म के बारे में जान लेते हैं। मध्य युग में धार्मिक परंपराओं से बड़े बदलाव हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदू हिंदू धर्म में कई बदलाव हुए हैं, कई नए भगवानों की पूजा होने लगी। शासक वर्ग द्वारा मंदिर बनवाए गए, समाज में ब्राह्मणों का महत्व तो पहले से अधिक हो गया। हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ा बदलाव आया था वो था भक्ति के भाव की शुरुआत, ठीक है। भक्ति के भाव के अनुसार किसी को भी अपने आराध्य तक पहुंचने के लिए पुजारी अनुष्ठानों की जरूरत नहीं थी, ठीक है। कि किसी गुरु या पुजारी या किसी की जरूरत हो तब आपके आपको भगवान के दर्शन होंगे। ये सब चीजें कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से अपने आराध्य की पूजा कर सका था। आराध्य का मतलब है जिस गॉड को, जिस भगवान को, चाहे भोले बाबा हैं, चाहे शेर वाली माता है, चाहे संतोषी माता है, जैसी अदर्श नाम जिसका जिसमें ध्यान है, ठीक है। जो जिस भगवान को मानते हैं उसके लिए किसी पुजारी की या किसी यज्ञ की जरूरत नहीं होती थी, ठीक है। वो भक्ति का भाव यही था, ठीक है, करके उस तक पहुंचा जा सकता था। अब नए धर्म कौन कौन से, इनके बारे में बताता हूँ। इस्लाम जो धर्म है, यह धर्म व्यापारी और प्रवासियों के साथ भारत में 7वीं सदी में आया। भारत चाहे कहीं कभी भी बसा हो, लेकिन भारत के अंदर यह 7वीं सदी में आया था, ठीक है। इस धर्म के अनुयायियों को मुसलमान कहते हैं। उनका धार्मिक ग्रंथ कुरान है, ठीक है, और वे एक ही ईश्वर यानी अल्लाह में विश्वास करते हैं। इस्लाम के अनुयायी दो समूहों में बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी। अब शिया और सुन्नी का ध्यान रखना क्या है। शिया मुसलमान का मानना है कि हजरत मोहम्मद का दामाद, मतलब हजरत मोहम्मद की कोई औलाद नहीं, एक लड़की, ठीक है, उसने अपनी लड़की का ब्याह किया, शादी की, निकाह किया, किससे, अली से, ठीक है। अली ही मुसलमानों का असली नेता है। तो मतलब कि शिया तो वो थे जो जो ये मोहम्मद था ना, हजरत मोहम्मद, इसका जो दामाद था, ठीक है। क्योंकि मोहम्मद तो मर गया एक टाइम पर, उसकी मतलब चलाने वाला धर्म को, मतलब उसके इस्लाम धर्म को चलाने वाला भी तो चाहिए, तो वो अली को अपना नेता मानते थे। कौन? जो शिया थे, ठीक है। और जो सुन्नी थे वो मुसलमान खलीफा को अपना नेता मानते थे। खलीफा कहाँ बैठता था इन कमेंट मुझे बताना, ठीक है। वो गल्फ जो कंट्री है ना वहां पर बैठता था, उनमें से एक देश है, वो इन कमेंट मुझे बताना। जो सुन्नी मुसलमान था वो खलीफा को मानते थे, वो खलीफा कहाँ बैठता था उस समय इन कमेंट मुझे बताना, ठीक है। अब मध्य युग और आधुनिक युग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इतिहास को अलग अलग समय सीमा में बांटना और उसका अध्ययन करना आसान हो जाता है। अलग अलग कालों और कुछ संबंधों भी हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ चुकी होगी ये बातें। अब अंग्रेजों और इतिहासकार द्वारा वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन बाई ब्रिटिश हिस्टोरियंस। 19वीं सदी के मध्यकाल के अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है, ठीक है, हिंदू, मुसलमान और अंग्रेजी। इस वर्गीकरण का आधार था कि शासक वर्ग का धर्म, यानी उन इतिहासकारों को लगता था कि शासक का धर्म ही एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन था, ठीक है। यह कह सकते हैं कि अंग्रेज इतिहासकारों ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं का अवहेलना की थी, ठीक है। अंग्रेज तो कुल मिला के ये उनको अपनी कंट्री से मतलब था कि उसको डेवलप किया जाए, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक नीचे टिकनी नहीं चाहिए, ठीक है। जो रानी थी ना वहां के, ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र देश है, वो एक राजतंत्र देश है, ठीक है। राजतंत्र का मतलब है वो जो मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया कि राजतंत्र क्या चीज है, लोकतंत्र क्या चीज है, इन चीजों के बारे में अभी तक आपको पता नहीं है तो पीछे आप क्लासों में जाएं, 6th क्लास में जाएं, उसके चैप्टरों को पढ़ें, ठीक है, ताकि आप इन चीजों के बारे में डीपली तरीके से जान सके कि राजतंत्र क्या है या फिर आपका लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है या मोनार्की क्या है, ठीक है। इन इंग्लिश में आपको मैंने बता रखा है।
ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक है, आशा करता हूँ मेरी सारी क्लास के एक एक टॉपिक आपके समझ में आया होगा। कार्टोग्राफी वह व्यक्ति है जो बनाता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया कार्टोग्राफी क्या है, क्या भूगोल बनाते थे, क्या कार्टून बनाते हैं, मैप्स, तो मैप्स सी इज द राइट आंसर। किस शताब्दी में बाबर ने, बाबर की बात हो रही है, उपमहाद्वीप के भूगोल को वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान का इस्तेमाल किया, तो वो थी 16वीं शताब्दी। कौन सी? ये 16वीं शताब्दी का मतलब है 1500 में, 1500 के आसपास। इस बाबर का जन्म कब हुआ था? आपके 1483 में। ठीक है, और ये हमारा कब था? 1530 में। आगे चैप्टर में सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा आसानी से। ठीक है, इसके अपने चैप्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजों को मैं आसान बना दूंगा एक तरीके से। ठीक है, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, आज के इतिहासकारों को अतीत की शर्तों से सावधान क्यों रहना चाहिए? क्योंकि वे शब्दों का अर्थ नहीं जानते, क्योंकि शब्दों में एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि अतीत में शब्दों का अर्थ अलग था। ये बात मानी मैंने, जैसे कि बताया आपको पांडुलिपि क्या है, या पुरानी जो बुके थी उनको नए में कन्वर्ट करने के लिए, अनुवाद करने के लिए अपनी तरफ से वो राइटर लिख दिया करते थे, ये सारी चीजें, क्योंकि अतीत में शब्दों का अर्थ अलग था, तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है। भूतकाल में निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी का अर्थ नहीं है? अब यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा वो, नहीं है। अजनबी मैंने वो बताया है, परदेशी मैंने आपको बताया, लेकिन स्वदेशी नहीं। किस काल में पाठ्याभिलेखों की संख्या और विविधता में वृद्धि हुई नाटकीय रूप से? नाटकीय रूप कब होने लगा? 600 से 700, गलत, 700 800, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो 700 से लेकर 1750 आपका आंसर हो जाता है। ये सारी चीजें एक नाटकीय रूप में विद्यमान थी, मतलब नाटकीय रूप में वृद्धि होने लगी थी। ठीक है, दिखाने लगे थे लोग, दर्शाने लगे थे अपनी चीजों को। किस प्रकार के लोगों ने पांडुलिपि एकत्र की थी? तो अमीर लोगों ने की थी, ना कि गरीब ने, ना ही सतानी लोगों ने। किसने की थी? बी इज द राइट आंसर, देख लेना आप। पांडुलिपि को कहाँ रखा गया था? घर पर पुस्तकालयों में, बिल्कुल अभिलेखागारों में, बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाता है यही, ए और बी दोनों ठीक। ठीक है, ए है यहाँ पर और ये बी है। ठीक है, जयासुद्दीन बरनी, ठीक है, बहुत बड़े कवि, सबसे पहले अपना क्रॉनिकल लिखा था इसने, कब लिखा था? 13वीं में, 12वीं में, 14वीं, थोड़ा हटके है, लेकिन इसका आंसर हो जाता है सी, ये थोड़ा हटके है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आगे चैप्टर में बताता रहूंगा। ठीक है, अभी बरनी याद कर लो, बरनी, इसका भी जिक्र होगा। योद्धाओं के एक समूह के लिए क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द का प्रयोग सामान्यतः किन शताब्दी में किया गया था? 8वीं और 14वीं शताब्दी में, बिल्कुल, और पहला ही आंसर हो जाता है इसका, 14वीं-15वीं में नहीं, 19वीं-20वीं में भी ये गलत हो जाती है। वर्तमान बंगाल में 14वीं शताब्दी के दौरान कौन सी भाषा बोली जाती क्षेत्र में, मतलब उसकी वर्तमान जो बंगाल था उस समय 14वीं शताब्दी के दौरान की बात कर रहा है, तो अवधि बोली जाती थी, ये तो यूपी में थी, तेलंगाना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में थी, लाहौरी आपके पाकिस्तान में, तो बची क्या? गौरी, गौरी इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, तो इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 6th क्लास के सभी चैप्टर को मैंने आपको आराम से और बिल्कुल धीरे धीरे एक एक वर्ड का मीनिंग आपको मैंने बताया, टॉपिक वाइज मैंने आपको क्लियर किया है, उसी प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन भी करा रहा था, और आज 7th क्लास स्टार्ट हो चुकी है और फर्स्ट चैप्टर भी आज का कंप्लीट हो चुका है विद क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इसी तरीके से मेरा ये कोर्स चलता रहेगा और बिल्कुल फ्री चलता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री माइंड रहो, लेकिन याद करते रहना और रिवीजन करते रहना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, मेरी क्लास अगर जिसने आपने कर ली, उसके बाद आपने क्वेश्चन भी लगा लिए, ठीक है, और फिर रिवीजन कर लिए शाम को, आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर इन एग्जाम के दौरान आप पढ़ोगे, उस समय तो मैं आपका क्या कर दूंगा, एमसीक्यू शुरू कर दूंगा, और बहुत अच्छे तरीके से आप बेस्ट ऑफ बेस्ट देकर आओगे पेपर के दौरान। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ, नमस्ते, राम राम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, कमेंट में बता दो क्लास कैसी चल रही है।